ओम ह्रीं दुन दुर्गाय नमः, ओम ह्रीं दुन दुर्गाय नमः, या जल जल प्रज्जल अग्नि रूपाय ओम ह्रौं ह्रीं सिं ज्वाला देवी नमो नमः। देवी प्रपन्नताती हरे प्रसीद, प्रसीद मातर्ग जोखिलस्य, प्रसीद विश्वेश्वरी पाहि विश्वं तमीश्वरी देवी चराचरस्य। शुभम करोति कल्याणम आरोग्यम धन संपदा, शत्रु बुद्धि विनाशाय दीप ज्योति नमोस्तुते। योनि मात्र शरीराय कुंजवासिनी कामदा, रजस्वला महा तेजा कामाक्षी ध्यायताम सदा। देवी दुर्गा जी के 16 नाम रोजाना याद करने से आपके बहुत से कष्ट कम हो जाते हैं। जैसे दुर्गा जी के 32 नाम हैं, ओम दुर्गा दुर्गति शमनी दुर्गा पति निवारणी दुर्गम छेदनी दुर्ग साधनी दुर्ग नाशिनी दुर्ग तो धानी दुर्ग नियंत्री दुर्ग मापहा दुर्गम ज्ञानदा दुर्गा दे तिलोक दवा निला दुर्गमा दुर्गमा लोका दुर्गमा सुरभिनी दुर्गमार्पदा दुर्गम विद्या दुर्गमाशिदा दुर्गम ज्ञान संस्थाना दुर्गम अध्ययन वासिनी दुर्गमोहा दुर्गमगा दुर्गमा स्वरूपिणी दुर्गमा सुसंत्री दुर्गमायुधारिणी दुर्गांगी दुर्गमथा दुर्गम्या दुर्गमेश्वरी दुर्गभीमा दुर्भामा दुर्भादुदारिणी। ये दुर्गा जी के 32 नाम का रोजाना पाठ करे कोई व्यक्ति 11 बार 21 बार या 27 बार तो उसके बहुत सारे कष्ट और पाप का नाश हो सकता है। इसी प्रकार दुर्गा जी के कुछ 16 नाम भी हैं, यदि उनको भी आप याद करें रोजाना तो हो सकता है जिंदगी में आपके बहुत सारा परिवर्तन आ जाएगा। ये 16 नाम लेने से आपका कल्याण होता है। दुर्गा नारायणी ईशाना विष्णु माया शिवा सती नित्या सत्या भगवती सर्वाणी सर्वमंगला अंबिका वैष्णवी गौरी पार्वती और सनातनी, ये मां भगवती दुर्गा जी के 16 नाम हैं। इनका नाम लेने से भी आपको निश्चित तौर से जिंदगी से भय नहीं लगेगा, पहली बात तो। और भय नहीं लगेगा, दुखों का भी नाश हो जाएगा और मनुष्य को सद्बुद्धि प्रदान होती है इन नाम लेने से। तो जैसे दुर्गा नारायणी ईशाना विष्णु माया शिवा सती नित्या सत्या भगवती सर्वाणी सर्वमंगला च अंबिका वैष्णवी गौरी पार्वती च और सनातनी। तो दुर्गा जी का नाम है जैसे दुर्गा, दुर्ग प्लस आ, दुर्ग शब्द का अर्थ होता है दैत्य महाविघ्न महाभय बंधन कर्म शोक दुख नरक यम दंड जन्म भय और रोग, ये दुर्ग कहलाते हैं। और आ शब्द जो है हंता का वाचक है, अतः जो देवी इन दैत्यों को नाश करती हो, हंता करती हो, मारती हो, महाविघ्न आदि का नाश करती हो उसे दुर्गा कहा जाता है। मतलब आप यदि दुर्गा जी का नाम ले रहे हैं तो ये मान के चले हो कि आपके बहुत से महाविघ्न खत्म हो रहे हैं, आपका बंधन कट रहा है, आपका कर्म में जो शोक है दुख है नरक है यम दंड है वो सब कट रहे हैं। इसलिए ओम ह्रीं दुन दुर्गाय बोलते रहा करो, क्योंकि ह्रीं शब्द जो है महामाया का है और उस महामाया में भी यदि आपको कष्ट प्राप्त होता है, उन कष्टों को खत्म करने के लिए यदि दुर्गा महारानी आ जाती हो तो इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। तो जो मनुष्य रोजाना इन 32 नाम को लेता हो या फिर ओम ह्रीं दुन दुर्गाय नमः भी बोलता हो तो उसके बहुत से पापों का नाश हो जाता है। इसलिए ओम ह्रीं दुन दुर्गाय नमः, 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 ओम ह्रीं दुन दुर्गाय नमः। ये इस प्रकार से इस मंत्र को लगातार कम से कम आधा घंटा एक घंटा बोलते रहिए। जब भी समय मिल जाए तो हवन अवश्य कर दीजिए ताकि आपको इसका पूर्ण फल की प्राप्ति हो जाए। तो केवल एक शब्द बोलने से, ओम ह्रीं दुन दुर्गाय नमः बोलने से आपके बहुत से शोकों का नाश हो जाता है, दुखों का नाश हो जाता है, पापों का नाश हो जाता है, भय खत्म हो जाता है, रोग भी समाप्त हो जाता है। दूसरा नाम है मां भगवती का नारायणी। यह दुर्गा का जो नाम है यह यश प्रदान करता है, तेज देता है, रूप देता है, गुण में नारायण के समान है तथा नारायण की ही शक्ति है, इसलिए इसे नारायणी कहा गया है।
ईशाना, ये भी दुर्गा जी का नाम है। ईशान प्लस आ, ईशान शब्द का मतलब संपूर्ण सिद्धियों के अर्थों में प्रयोग किया जाता है और आ शब्द दाता का वाचक है, अतः संपूर्ण सिद्धियों को देने वाली ईशानी कही जाती है। विष्णु माया, सृष्टि के समय परमात्मा विष्णु ने माया की सृष्टि कर समस्त विश्व को मोहित किया था, यह विष्णु शक्ति माया ही विष्णु माया कही जाती है। इसको दूसरे शब्दों में ओम ह्रीम नमः भी कहा जाता है। शिवा, शिव प्लस आ, शिव शब्द का अर्थ है कल्याण और आ शब्द जो है प्री और दाता का वाचक है, अतः यह कल्याण स्वरूपा है, शिव प्रिया है, शिव दायिनी है, इसलिए इसे शिवा कहा गया है। सती, देवी दुर्गा प्रत्येक युग में विद्यमान है, पतिव्रता सद्बुद्धि देने वाली है, इसलिए इसे सती भी कहा गया है। नित्या, जैसे भगवान नित्य है वैसे भगवती भी नित्या है, प्रलय के समय वे अपनी माया से परमात्मा श्री कृष्ण में विलीन हो जाती है, अतः वे नित्या कहलाती है। सत्या, जिस प्रकार भगवान सत्य है उसी तरह देवी दुर्गा जी भी सत्य स्वरूपा है, इसलिए सत्या कही जाती है। भगवती, भग शब्द ऐश्वर्य अर्थ में प्रयोग होता है, अतः संपूर्ण ईश्वर आदि प्रत्येक युग में जिसके अंदर विद्यमान है वे देवी दुर्गा भगवती ही कही गई है। सर्वाणी देवी, देवी दुर्गा संसार के समस्त प्राणियों को जन्म मृत्यु जरा और मोक्ष की प्राप्ति कराती है, इसलिए सर्वाणी कही गई है। सर्वमंगला, मंगल शब्द का अर्थ मोक्ष है और आ शब्द का अर्थ होता है दाता, अतः जो मोक्ष प्रदान करने वाली है उसे सर्वमंगला कहा जाता है। अंबिका देवी दुर्गा सबके द्वारा पूजित और वंदित है, तीनों लोकों की माता है, इसलिए अंबिका कहलाती है। वैष्णवी देवी, श्री विष्णु की भक्ता और उनकी शक्ति है, सृष्टि काल में विष्णु के द्वारा ही उनकी सृष्टि हुई है, इसलिए उन्हें वैष्णवी भी कहा जाता है। और गौरी देवी, भगवान शिव सबके गुरु हैं और उनकी देवी उनकी प्रिया है, इसलिए उनको गौरी कहा गया है। और पार्वती माँ, देवी पार्वती गिरिराज हिमालय की पुत्री है, पर्वत पर प्रकट हुई है और पर्वत की अधिष्ठाती देवी है, इसलिए उन्हें पार्वती कहा गया था। और 16वां नंबर है सनातनी, सना का अर्थ होता है सर्वदा और तनी का अर्थ होता है विद्यमान, सब जगह और सब काल में विद्यमान होने वाली वो देवी सनातनी कही गई है। इसीलिए ये 16 नाम का अर्थ भी आपको याद होना चाहिए और इन 16 नाम को जो मनुष्य याद करके रोजाना बोलता है उसके पापों का नाश हो जाता है। ओम दुर्गा नारायणी ईशाना च विष्णु माया शिवा सती नित्या सत्या च भगवती सर्वाणी सर्वमंगला अंबिका च वैष्णवी गौरी पार्वती च सनातनी। इस प्रकार से ये 16 नाम है, आप इनको याद कर लें और रोजाना कम से कम 16 बार पाठ करना है सुबह और शाम, तो आपके बहुत से पापों का नाश हो सकता है। जय माता दी, जय माँ कामाख्या।